साथियों, गुजरात में रहते हुए जब मैंने गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी तो वो केवल व्यापार कारोबार या आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना में देश के सामान्य मानवी की आकांक्षाएं जुड़ी है। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। मुझे याद है जनवरी 2013 में जब मैं गिफ्ट वन के इनॉग्रेशन के लिए यहां आया था, तब लोग इसे गुजरात की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहते थे। कई लोगों के लिए यही इसकी पहचान थी। लेकिन गिफ्ट सिटी एक ऐसा आइडिया था जो अपने समय से भी बहुत आगे था। आप याद करिए, 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था। भारत में भी दुर्भाग्य से वो समय पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था। लेकिन उस समय, यानी कल्पना कीजिए उस समय की दुनिया की स्थिति, उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, गिफ्ट सिटी एक और खास बात यह है कि ये ट्राई सिटी अप्रोच का प्रमुख स्तंभ है। अहमदाबाद, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी तीनों एक दूसरे से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है और तीनों की ही अपनी एक विशेष पहचान है। अहमदाबाद एक गौरवशाली इतिहास का अपने आप में समेटे हुए है। गांधीनगर प्रशासन का केंद्र है, नीति और निर्णयों का मुख्य मथक है और गिफ्ट सिटी अर्थतंत्र का प्रमुख केंद्र है। यानी अगर आप इन तीनों में से किसी भी शहर में जाते हैं तो पास प्रेजेंट या फ्यूचर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है।